छोटी से ही प्यार कीजिए, मैं उसी में खुश हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? अरे जहाँ प्यार होता है वहाँ मतलब कहाँ होता है? सिर्फ फीलिंग्स होती है। वो उसने वो किया है अभी जो हम में से कोई नहीं कर सकता कभी, वो भी नहीं जो तेरे अपने होने का बहुत ज्यादा दावा करते हैं। जिसको हम अपना दुश्मन समझते रहे ना, वो हमारे परिवार लिए फरिश्ता बन के आ गई, प्रज्ञा की शक्ल भी प्रज्ञा जैसी बन के आ गई। आज इसने वो ही काम किया है जो मेरी प्रज्ञा ही कर सकती है, और मैंने भी इसे वही आशीर्वाद दिया है जो सिर्फ अपनी प्रज्ञा को देती हूँ। ये सब कैसे हो सकता है? प्रज्ञा और मुन्नी की सूरत एक जैसी हो सकती है, पर उनकी आवाज, अंदाज, नेचर सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? जब आई थी तो लगता था कि किसी सेल्फिश मोटिव के साथ आई होगी, पर अभी तक तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, और जो काम किए वैसे सब काम तो सिर्फ मेरी फुग्गी ही करती है। गिरने से बचाए? मैंने अपनी कॉफी को गिरने से बचाया। मतलब मैं गिरूंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉफी नहीं गिरनी चाहिए। हाँ शायद, मेबी, यू नेवर नो। कितने मतलब ही है ना, कॉफी से इतना प्यार है, जिसने बनाया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं, कॉफी वो चीज ही ऐसी होती है ना, मतलब जो उसे इतने प्यार से बनाए तो कॉफी और भी स्पेशल हो जाती है। मतलब अगर कोई इसे अच्छे से बनाए तो ये और भी अच्छी हो जाती है। कोई बात नहीं, आपको जो कहना था आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, मुझे अच्छा लगा। चलो अब तुम्हारी कॉफी पीकर देखते हैं कि वो अच्छा है कि नहीं। देख लो अपने हिसाब से डाल। और नमक? वो भी डाल लो अपने हिसाब से। दो ना प्लीज। नहीं दूंगी। प्लीज दो। मैंने कहा ना नहीं दूंगी। तो देरी हो नहीं। नहीं, नको, नथी, नेवर। अब फ्रेंच या इटालियन में बताओ। क्यों कर रही हो ये सब? जिस तरह प्यासे को पानी के लिए नहीं तड़पाते ना, उसी तरह कॉफी के दीवाने को कॉफी के लिए नहीं तड़पाते। अरे मैंने पहले कहा ना, आपको चूज करना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए, मैं या कॉफी? ऑफ कोर्स तुम। कॉफी के साथ। ये तो चीटिंग है, मैंने आपसे कहा था कि आप एक चूज कर सकते हैं। एक कैसे चूज करो, ये तो तुम मुझे धर्म संकट में डाल रही हो। क्या धर्म संकट? आप मेरा नाम नहीं ले रहे ना, क्योंकि आपको कॉफी ज्यादा प्यार है। नहीं, अच्छी बात वो नहीं है, बात कुछ और है। तो क्या बात है? वो क्या है ना कि कॉफी में मुझे तुम दिखाई देती। कैसे? तुम्हें सच जानना था ना, तुम्हें सच बता रहा हूँ, मुझे कॉफी में तुम दिखाई देती। आप कुछ भी मत बोलो, लोगों को अपना प्यार चांद तारों में नजर आता है, आपको मैं कॉफी में? अपना बात पलटने के लिए कुछ भी बोल रहे, मैं नहीं मानती। अरे दिमाग चल गया। देखो मैं बताता हूं, देखो बात यह है कि जब मैं तुम्हें वाकई देखता हूं ना, तो
मुझे सच में कॉफी की याद आती। कैसे? ए, मेरी आंखें जो है ना वो मुझे कॉफी की याद दिलाती। झूठ, कॉफी ब्राउन होती, मेरी आंखें तो काली है। अरे समझ नहीं रही हूँ, वो इंसान जो है ना वो अपनी आंखों की खूबसूरती अपनी आंखों से नहीं देख पाता। सुबह की पहली किरण जब तुम्हारे आंखों पर गिरती है ना तो तुम्हारी आंखें ब्राउन नजर आती। बिल्कुल ऐसे। और ये जो तुम्हारे कोरे कोरे चबी चबी गाल है ना, ये मुझे उस दूध की याद दिलाता है जो तुम कॉफी में डालती हो। और ये जो तुम्हारी पलके है ना, ये मुझे उस चॉकलेट की याद दिलाता है जो तुम कॉफी पर ऐसे स्प्रिंकल करती हो। बेस्ट, जो तुम्हारे होंठ इसमें मुझे वो मिठास मिलती है जो मुझे अपने कॉफी से मिलती है। तो मैं सोच रहा हूं कि अब कॉफी छोड़कर डायरेक्ट मिठास पर चलते। क्यों? कॉफी ये तो बिल्कुल वही कॉफी है जो मेरी फुगी मेरे लिए बनाया करती थी। ये कैसे हो सकता है? एक साथ इतने सारे कनेक्शंस कैसे हो सकते हैं दोनों के बीच? कोई किसी की नकल कर सकता है पर उसके हाथों का स्वाद कैसे ले सकता है? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कुछ और ही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों एक ही है? ये मुन्नी जो बोलती रहती है कि मैं प्रज्ञा हूँ प्रज्ञा हूँ, कहीं सच में प्रज्ञा तो नहीं है? मुझे बेवकूफ बना रही है जैसे इसने मुझे पिछली बार बनाया था जब इस घर की ओनर बनकर आई थी। जब आप लोग मान ही चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो कुछ और ऐसी बातें हैं जो आप सबको बताना बहुत जरूरी है। जैसे आज से इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। ये हो सकता है इसे किसी वजह से अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ी हो, और अगर ऐसा है तो मुझे पता करना पड़ेगा, सच सामने लाना पड़ेगा। कितना मुश्किल है मेरे लिए आपसे दूर रहना। क्यों नहीं मान लेते कि मैं आपकी ही प्रज्ञा हूँ? क्यों मुझे मुन्नी बनाकर खुद से दूर रखा है? एक बार तो अपने करीब ले आइए। तुम्हें देख के कभी कभी लगता है कि तुम ही मेरी प्रज्ञा हो, या फिर मैं प्रज्ञा से इतना प्यार करता हूँ कि मेरी आंखें मेरा दिल धोखा खा रही है। मैं जानती हूँ कि आपसे सच छुपा के मैं बहुत गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, ना सच छुपाना चाहती। काश कि मेरी आंखों का धोखा हकीकत ही बन जाए और तुम प्रज्ञा ही निकलो। सच के साथ मुझे तुम्हारी वो मजबूरी भी समझ आ जाए जिसकी वजह से ये ऐसा कर रही है। जो भी है मुझे सब पता लगाना है। क्यों करती हो तुम मेरे साथ ऐसा? चोट लगी तुम्हें? पूरा मेरी बात सुनो। क्या किया मैंने? क्या किया तुमने? जिस तरीके से जानते हो कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, तुम मुझे इग्नोर करो, मुझसे रूडली बात करो, लेकिन इस दिशा के करीब जाओ मुझे बर्दाश्त नहीं है ना। तुमसे प्यार करती हूँ मैं, कैसे देख सकती हूँ ये सब कुछ? आज यहाँ दूर रहो मुझसे।
बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो तुम हरकतें करती हो ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बंद कर दो अपना ये पागलपन। पागलपन नहीं है ये, पूरा प्यार है। प्यार, और ये प्यार तभी अपने मुकाम पर पहुंचेगा जब तुम मुझे अपना लोगे। एक काम क्यों नहीं करते, सुनो ना, दिशा को छोड़ दो और मुझे अपना लो। शराब वालिया, आज के बाद मुझसे ऐसी बात मत कर और जाके अपना इलाज करवा, ताकि खुद भी चैन से जी सको और दूसरों को भी जी। कैसे रह पाऊंगा उस पागल के साथ एक घर में? उसका चेहरा भी देखता हूं तो मन करता है उसे दी। अच्छा आप यहीं पर मिल गए। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों? दी मैं थक चुका हूं, प्लीज हेल्प मी आउट। ना क्या हुआ? दी वो आलिया, उसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। हर वक्त बस एक ही बात करती है कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि वो मुझे भूल के लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ जाती है। तुम भूल पाए हो? दी? तुम चाहते हो कि आलिया आलिया तुम्हें भूल कर जिंदगी में आगे बढ़ जाए। तुम जिंदगी में आगे बढ़ पाए हो? तुम अब तक बुलबुल को भुला पाए? आलिया अब तक तुमसे प्यार करती है, अपने पास्ट में जी रही है, लेकिन तुम भी तो अपने पास्ट में ही जी रहे हो। तक तुम बुलबुल को नहीं भुला पाए। देखो हमारा बीता हुआ कल जितना भी खूबसूरत हो, ऐसा नहीं कि हमारा आज खूबसूरत नहीं हो सकता, पर अगर हम आज को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे तभी तो हमें बीते हुए कल की याद नहीं आएगी। मैं जानती हूँ कि बुलबुल तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है, उसकी जगह तुम्हारी जिंदगी में कोई ले नहीं सकता, लेकिन जो प्यार तुम बुलबुल को नहीं दे पाए ना, उस प्यार पे आप हक दिशा का। जहां तक आलिया की बात है, अगर तुम और दिशा करीब आ जाओगे तो तुम दोनों के बीच में इतनी जगह ही नहीं रहेगी कि उसमें कोई आ सके। समझ ही नहीं आ रहा कि ये प्रज्ञा या मुन्नी। पहले इसलिए नींद नहीं आती थी कि प्रज्ञा साथ नहीं है, और अब शायद इसलिए नींद नहीं आए कि जो साथ है वो कहीं प्रज्ञा तो नहीं। मुझसे प्यार करे ना करे, पर मैं आपसे प्यार हमेशा करती रहूंगी। I love you. किशा तू यहाँ क्या कर रही हो? कितना खून बह रहा है आपको कितना मारा है इन्होंने। नहीं प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ दियो मत। नहीं किशा, मैं तैयार हूँ। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो या तो मैं उस संग्राम सिंह को मार देती, खुद मर जाऊंगी।
पूरब जी, आपको कुछ चाहिए है क्या? क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। मैं बंद कमरे में घुट घुट के जी रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि अंधेरे में जी रहा हूं या इस रात की कभी सुबह ही नहीं। बीते कल को सपने की तरह देख रहा था, पर कभी ये नहीं समझ पाया कि सुबह तो हो चुकी है, बस मुझे सूरज की रोशनी को अंदर आने देना है। तुम मेरी बीती हुई रात की सुबह हो दिशा, मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, लेकिन कभी महसूस नहीं कर पाया कि यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा आज, और यही मुझे मेरे बीते हुए कल से बाहर निकालेगा। मैंने थोड़ी देर कर दी, लेकिन इन आंखों ने कभी मुझसे कोई शिकायत क्यों नहीं की? दिशा, मैंने तुम्हारा दिल जरूर दुखाया, लेकिन मैं दिल का बुरा इंसान नहीं। उस दिल के हाथों मजबूर था, लेकिन आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूं। मैं अब तुम्हें अपने नाम के साथ साथ अपना प्यार भी दूंगा। आई लव यू दिशा, आई लव यू, आई लव यू टू पूरन जी, आई लव यू। दस्तकें देते हैं दस्तकें, क्यों अजनबी से पल है दिल बता। कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जो आंखें हैं नम, कुछ तो है जो से ज्यादा मेरे जैसा कोई है तो है तू। फिर ना जाने दिल मेरा क्यों तुझको ना दे सकूं। कुछ तो है जो दिल घबराए, कुछ तो है जो सांस मुझे देखकर सोने का नाटक कर रहे हैं। ये तो सो भी प्रज्ञा की तरह रही। यार ये हो क्या रहा है? एक और सिमिलैरिटी, दो चार सिमिलैरिटी देख ली तो कहीं पागल ही ना हो जाओ कि यही मेरी प्रज्ञा है।
मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ ऐसा जिससे साबित हो जाए कि जिसे मैं बंद आंखों से देखने की कोशिश करता हूं वो मेरी आंखों के सामने ही थी। पता नहीं, मैं पहले प्रज्ञा के आने का सपना देख रहा था, या जो आप देख रहे हो वो एक सपना है।